गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं से की अपील, कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत चढ़ाएं खिचड़ी। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभ मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई पहली खिचड़ी। परंपरागत रूप से की पूजा अर्चना, मंदिर परिसर का निरीक्षण कर लिया स्थिति का जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की डिजिटल डायरी ऐप तथा डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का किया लोकार्पण। कहा डिजिटल डायरी से तीव्र गति से मिल सकेगी सूचनाएं, डाक टिकट से लोगों को गुरु गोरक्षनाथ का मिलेगा इतिहास। बुधवार को वैक्सीन आने के बाद एयरपोर्ट से ही इसे पुलिस की निगरानी में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। सीएमओ ने कहा, टीका पूरी तरह से है सुरक्षित व असरदार, मन में ना पाले कोई भ्रम। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने चढ़ाई बाबा गोरक्षनाथ को आस्था की खिचड़ी। कहा, गोरखनाथ बाबा करते हैं सभी मुरादें पूरी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा व सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पैदल भ्रमण कर पल पल लेते रहे व्यवस्थाओं का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गगहा पुलिस ने चोरी की 36 कुंटल गुड़ व 146 कुंटल गीला गुड़ के साथ तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने कहा, गाड़ी का नंबर बदलकर ट्रांसपोर्ट से उठाए थे माल, बेचते समय हुई गिरफ्तारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गोरखनाथ मेले में लगाए गए विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप का जनपद न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। 14 से 28 जनवरी तक ग्रामीण अंचल से आए हुए लोगों को दी जाएगी निःशुल्क कानूनी सलाह। कड़कड़ाती ठंड की शाम को मशहूर पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी कला की सुगंध बिखेरी तो दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का महक उठा माहौल, श्रोता लगाते रहे गोता। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रहे व्यापक इंतजाम, समाज सेवी संगठन तथा पुलिस के जवान रहे मुस्तैद। गोरखनाथ मंदिर में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए मेला थाना का एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को अंतिम कार्यक्रम के रूप में कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद श्रोता कवियों को सुनने के लिए चंपा देवी पार्क में रहे मौजूद। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,283। अब तक 353 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 182 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से खिचड़ी मेले का विशेष आवरण डाक टिकट किया जारी। मंदिर में डाक विभाग के शिविर में बिक्री के साथ अन्य योजनाओं की दी जा रही है जानकारी।